गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उपभोग फलन क्या है और उपभोग फलन कितने प्रकार का होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उपभोग क्या है। उपभोग फलन से हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि उपभोग क्या है। जैसे J.M. केंज ने के अनुसार कुल मांग किस किस पर निर्भर करती है? उपभोग और निवेश पर। और उपभोग से आशय किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग पर किए जाने वाले कुल व्यय से, क्योंकि राष्ट्रीय आय में से लोग अपनी आवश्यकताओं के प्रत्येक संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए मुद्रा की जो राशि खर्च करते हैं उसे क्या कहते हैं? कुल उपभोग व्यय या उपभोग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी अर्थव्यवस्था में कुल आय कितनी है? 10,000 करोड़ रुपए हैं, और उसमें से 6,000 करोड़ रुपए किस पर खर्च कर दिए जाते हैं? उपभोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर खर्च कर दिया जाता है। तो क्या कहा जाएगा अब कि अर्थव्यवस्था का कुल उपभोग व्यय कितना है? 6,000 करोड़ रुपए है। जिसे उपभोग व्यय कई चीज़ों पर किया जाता है, जैसे वस्तु की कई तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे आय, वस्तु की कीमत, फैशन आदि। तो उपभोग कई तत्वों का क्या है? फंक्शन है, या फिर कई तत्वों पर निर्भर करता है, लेकिन उपभोग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? आय का। इसीलिए केंज ये मानते थे कि किसी भी अर्थव्यवस्था का कुल उपभोग व्यय मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? आय पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे उपभोग फलन क्या है। उपभोग फलन कुल उपभोग व्यय तथा राष्ट्रीय आय के संबंध को प्रकट करता है। लॉर्ड केंज ने उपभोग फलन के लिए उपभोग प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया था। तो उपभोग प्रवृत्ति एक ऐसी तालिका है जिसके द्वारा आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों का संबंध प्रकट होता है। जिस प्रकार से मांग तालिका में हम क्या देखते हैं कि विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मांगी गई मात्रा है जो कि मांग तालिका प्रकट करती है, उसी प्रकार से उपभोग प्रवृत्ति विभिन्न आय स्तरों पर लोगों द्वारा किए गए विभिन्न उपभोग व्यय के स्तर को प्रकट करता है। तो जैसा कि आय के एक निश्चित स्तर पर उपभोग पर जितना खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपभोग कहा जाता है। जबकि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों को प्रकट करने वाली तालिका क्या कहलाती है? उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे अब हम इसे एक जैसे C=F(y). सी मीन्स यहाँ पर क्या है? उपभोग। y है आय, और f है फंक्शन फलन, मतलब उपभोग आय का फलन है, उपभोग आय पर निर्भर करता है। तो हम f को क्या है? उपभोग प्रवृत्ति कहकर पुकार सकते हैं। यदि उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्ति का मालूम चल जाए कि, या फिर हमें ज्ञान हो जाए कि एक दी हुई आय में से व्यक्ति कितना उपभोग पर व्यय करेगा, तो उपभोग प्रवृत्ति उपभोग तथा आय के संबंध को प्रकट करती है। अब हम इसे एक टेबल के द्वारा समझेंगे। जैसे इस तालिका में हम देखते हैं कि जब आय हमने 3 लिए, इनकम, कंजप्शन और सेविंग्स, तो जब इनकम क्या है? 0 है, तो भी लोग क्या कर रहे हैं? उपभोग पर खर्च कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 10 करोड़ रुपए का खर्चा उपभोग पर कर रहे हैं। और ये खर्चा जब उनकी इनकम ही नहीं है तो कहाँ से कर रहे हैं? तो ये खर्चा वो कहाँ से कर रहे हैं? जो पिछले उन्होंने बचते किए या फिर उधार लेकर कर रहे हैं। अब जब आय 0 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 100 करोड़ रुपये हो जाती है, तो उससे क्या होगा? उपभोग व्यय भी बढ़ जाता है। अब उपभोग व्यय 10 करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो गया है? 100 करोड़ रुपए हो जाता है। और जब जितनी आय है आपकी, आप उतना ही किस पर खर्च कर रहे हैं? उपभोग पर खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी सेविंग्स क्या है? 0 है। तो जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जा रही है तो उपभोग व्यय और बचत दोनों ही क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जब इनकम 100 करोड़ से बढ़कर 200 हो जाती है तो उपभोग व्यय 190 करोड़ रुपये, जबकि 200 में से 10 करोड़ रुपए क्या कर ली जाती है? बचत कर ली जाती है। लेकिन हमेशा ये देखा कि आय उपभोग आय पर निर्भर करता है, मीन्स जब आय में, और इन दोनों में प्रत्येक संबंध होता है, मीन्स जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है, और आय में कमी होती है तो उपभोग में भी कमी होती है। लेकिन उपभोग व्यय में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम होती है, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता अपनी समस्त आय को केवल उपभोग पर खर्च नहीं करता है, उसमें से वो कुछ बचत भी करता है। अब हम इसे एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे।
सॉरी। जैसे सॉरी, जैसे इस रेखा चित्र में हमने ओ अक्ष अक्ष पर क्या लिया है, आय, और ओ वाई अक्ष अक्ष पर उपभोग और बचत को लिया है। अब इसमें जो ए एस वक्र है या ए एस रेखा है वो किसको व्यक्त कर रही है, कुल पूर्ति वक्र है, और ये रेखा 45 डिग्री पर खींची गई है, इसीलिए ये रेखा अर्थव्यवस्था की कुल आय और कुल व्यय की समानता को प्रकट करती है। कौन सी? ए एस रेखा। जो इस रेखा चित्र में सीसी रेखा है वो किसको व्यक्त कर रही है, कुल उपभोग वक्र को, और एस एस रेखा बचत वक्र को व्यक्त कर रही है। अब उपभोग वक्र का स्थिर क्या है, ढाल स्थिर है, तो इससे क्या प्रकट होता है कि आय के विभिन्न स्तरों पर भी उपभोग प्रवृत्ति क्या है, समान है। तो उपभोग वक्र कहाँ से प्रारंभ नहीं होता है, ओ से प्रारंभ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब उपभोक्ता के पास आय नहीं रहती है तो भी वो उपभोग करता है, जैसा कि हमने अभी टेबल में देखा था कि जब उपभोक्ता की आय शून्य थी तो भी वो उपभोग पर कितना खर्च कर रहा था, 10 करोड़ रुपये खर्च कर रहा था। तो इस प्रकार से उपभोग वक्र सीसी का ढाल नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि आय के बढ़ने के साथ साथ उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन बिंदु पी पर आय और उपभोग एक दूसरे के क्या है, बराबर है बिंदु पी पर, क्योंकि उपभोग वक्र कुल पूर्ति वक्र ए एस को काट रहा है। इस बिंदु पर क्या है, बचत शून्य है, इसीलिए एस एस बचत वक्र ओ एक्स अक्ष को एम बिंदु पर छू रही है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। तो बिंदु पी के बाईं ओर उपभोग वक्र सीसी कुल पूर्ति वक्र ए एस के ऊपर है, तो इससे क्या प्रकट होता है कि उपभोग व्यय आय से अधिक है, इसीलिए बचत क्या है, ऋणात्मक है, और यही कारण है कि बचत वक्र एस एस आय के ओ एम स्तर से पहले ओ एक्स एक्स के नीचे है। बचत का एस एम भाग क्या है, ऋणात्मक बचत को प्रकट करता है, लेकिन बिंदु पी के दाईं ओर सीसी जो कि उपभोग वक्र है जो कि ए एस के नीचे, इससे क्या प्रकट होता है कि उपभोग व्यय आय से कम है, तो बचत धनात्मक है, और बचत वक्र एस एस का एम एस भाग ऋणात्मक बचत को प्रकट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि उपभोग फलन कितने प्रकार का होता है। उपभोग फलन दो प्रकार का होता है, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपभोग फलन। हम सबसे पहले हम देखते हैं अल्पकालीन उपभोग फलन क्या है। जैसे किन्सियन अर्थशास्त्र मुख्य रूप से अल्पकालिक विश्लेषण पर आधारित अर्थशास्त्र है, इसीलिए अल्पकाल में उपभोग फलन को बीजगणितीय रूप में किस सूत्र के द्वारा लिखा जा सकता है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई के रूप में। यहाँ पर सी क्या है, कुल उपभोग व्यय, ए है स्वायत्त उपभोग की धनात्मक स्थिर मात्रा, तथा बी वाई प्रेरित उपभोग का सूचक है जो राष्ट्रीय आय के उस स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। अब हम इसे एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे अल्पकालीन उपभोग फलन को। अब जैसा कि रेखा चित्र में रेखीय उपभोग फलन जो कि किससे व्यक्त किया जा रहा है, सीसी रेखा के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, जो कि लंबवत अक्ष को शून्य से ऊपर धनात्मक स्तर से शुरू होता है, जो कि शून्य से प्रारंभ न होकर वाई एक्स अक्ष पर क्या हो रहा है, शून्य से थोड़ा ऊपर से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें औसत उपभोग प्रवृत्ति गिरती हुई है, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या रहती है, स्थिर रहती है, और औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक है। अब है दीर्घकालीन उपभोग फलन। दीर्घकालीन उपभोग फलन को बीजगणितीय सूत्र C इक्वल्स टू बी वाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें C क्या है, कुल उपभोग व्यय, तथा बी वाई प्रेरित उपभोग को व्यक्त करता है जो राष्ट्रीय आय के उस स्थिर अनुपात पर निर्भर है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। तो दीर्घकालीन उपभोग फलन की रेखा दोनों अक्षों के मूल बिंदु से प्रारंभ होती है, जबकि अल्पकालीन उपभोग फलन की रेखा कहाँ से प्रारंभ होती है, मूल बिंदु से प्रारंभ न होकर
वाई एक्सिस के ऊपर मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर से प्रारंभ होती है, क्योंकि अल्पकाल में अगर आपकी आय शून्य है तो भी आप उपभोग पर खर्च करोगे, भले ही वो पिछली वस्तुओं को करो या फिर किसी से उधार लेकर करो। तो ये दर्शाती है कि दीर्घकाल में उपभोग और आय के बीच एक निश्चित आनुपातिक संबंध बना रहता है, जैसा कि इस रेखा चित्र में दर्शाया गया है कि उपभोग वक्र कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, और इसमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति दोनों ही क्या है, स्थिर है, वह एक दूसरे के बराबर रहती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। थैंक यू।